हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन। ये सिर्फ आप लोगों के हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन नहीं होंगे, बल्कि इन क्वेश्चंस के साथ साथ हम ऑप्शंस को भी डिफाइन करते हुए चलेंगे और इस तरह से हम लगभग 25 to 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये एसटेट पीजीटी लेवल में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए पिक किए हैं। ये एसटेट पीजीटी 2022 के जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोगों को पता तो होगा ही कि हरियाणा का जो एसटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर 10 मार्क्स की हमारी हरियाणा जी की आती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रीवियस ईयर को भी अच्छे से कर लेते हो तो आप 4-5 नंबर तो आराम से ठीक कर सकते हो, बाकी आपको टॉपिक भी पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि हरियाणा के किन स्थानों को यूनेस्को की रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। विच प्लेसेस ऑफ हरियाणा हैव बीन नोटिफाइड एज रामसर साइट अंडर रामसर कन्वेंशन ऑफ यूनेस्को। तो इसके अंदर कौन से जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनको सूचित किया गया है रामसर स्थल के अंदर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा सही आंसर होगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इन दोनों को रामसर साइट्स के रूप में घोषित किया जा चुका है। ओके, आपको याद रखना है सुल्तानपुर और भिंडावास। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, तो वो गुरुग्राम में है, जबकि भिंडावास वन्य अभ्यारण हमारा कहाँ है, झज्जर के अंदर है। आपको इनके प्लेस भी ध्यान रखने हैं। इसी तरह से जो ऑप्शंस हैं उनको देखिए, अगर हमसे पूछा जाता है कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, तो यमुनानगर में है। खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाता है तो वो कहाँ पे है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। ये चीज़ें भी हमें याद रखनी है, हो सकता है कि अब जब नेक्स्ट एग्ज़ाम हो तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। और आप फ्रेंड्स, ये जो क्लास है ये सिर्फ ना एचटेट एग्ज़ाम के लिए बल्कि हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हैं लाइक ग्रुप डी, सीईटी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अब आता है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, रेवाड़ी में है। ठीक है, और वैसे अगर नाहर सिंह का संबंध पूछा जाता है तो कहाँ से आता है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद से आता है, जबकि नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाता है तो वो कहाँ पे है, रेवाड़ी के अंतर्गत है। ओके, बीर सिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये हमारा पंचकूला के अंतर्गत है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अबू शहर सिरसा के अंतर्गत है। अबू शहर कहाँ है, सिरसा के अंदर आता है। ठीक है, और खोल ही रेतान ये भी हमारा पंचकूला पिंजौर के अंतर्गत आता है। सो फ्रेंड्स, हमारे पास रामसर साइट का अगर क्वेश्चन आया है तो रामसर साइट के बारे में हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, हमसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में कि वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्र भूमि पर एक कन्वेंशन हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। लेकिन अगर आप लोग सोचो भाई 2 फरवरी 1971 से ही इसको मनाने लग गए थे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आफ्टर 16 ईयर 2 फरवरी 1997 से वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाने लगा है। और हरियाणा के अंदर जो वेटलैंड जो साइट्स हैं जिनको आरक्षित माना गया है वो कौन कौन सी हैं, सुल्तानपुर और भिंडावास। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखनी है, सुल्तानपुर और भिंडावास। ओके, और क्या याद रखेंगे कि 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है, और जो ये बैठक हुई थी, जो ये आयोजन हुआ था वो ईरान के अंदर हुआ था। ठीक है, साथ में ही आपको ये याद रखने हैं कि भी कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। सुल्तानपुर, गुरुग्राम, भिंडावास और खप्परवास, झज्जर, कलेसर, यमुनानगर, नाहर, रेवाड़ी, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, खोल ही रेतान ये हमारे पंचकुला में है, अबू शहर सिरसा के अंतर्गत है। ओके, तो आपके यहाँ से 4-5 क्वेश्चन निकल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। हरियाणा में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। देखिए, दो कथन दिए गए हैं। पहला क्या कह रहा है कि हरियाणा में जो लोकायुक्त संस्था है उसकी स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। सेकंड ऑप्शन है न्यायमूर्ति प्रीतम पाल हरियाणा राज्य के पहले लोकायुक्त थे। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, दोनों स्टेटमेंट किससे रिलेटेड हैं, लोकायुक्त से रिलेटेड हैं। ओके, और हमें क्या बताना है कि भाई इनमें से केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड, जो 82 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो आंसर, जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसके जो दोनों आंसर, दोनों जो स्टेटमेंट हैं, दोनों क्या हैं, सही है। भाई हरियाणा के अंदर जो लोकायुक्त संस्था है वो वर्ष 2002 में बनी थी,
लोकायुक्त का अधिनियम हमारा 2002 में बना था हरियाणा का, जबकि लागू अगर आपसे पूछ लेता है तो हरियाणा में जो लोकायुक्त अधिनियम है वो लागू हुआ था 27 जनवरी 2003 से। ओके, जो हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम है वो 2002 में आया था, संस्था है वो 2002 में बनी थी। लेकिन अगर पूछ लेता है कि भाई जो लोकायुक्त अधिनियम है वो लागू कब हुआ हरियाणा के अंतर्गत, तो वो लागू हुआ था हमारा 27 जनवरी 2003 को। नोट कर लीजिए 27 जनवरी 2003 को। ओके, और हरियाणा में जो पहले हमारे लोकायुक्त थे वो कौन थे, प्रीतम पाल सिंह थे। ये बिल्कुल सही आंसर है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, जो हमारा लोकायुक्त है इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए हरियाणा के अंदर जो लोकपाल और लोकायुक्त, आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक लोकपाल और एक लोकायुक्त। जो लोकपाल होते हैं वो सेंटर लेवल पर होते हैं। फ्रेंड्स बिल्कुल डिटेल में नहीं करवा रही हूँ आपको, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वही मैं आपको बता रही हूँ। जो लोकायुक्त होते हैं वो स्टेट लेवल पर होते हैं। ओके, लोकपाल एंड लोकायुक्त अधिनियम 2013 में जब ये आया था, 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, 16 जनवरी 2014 से क्या हो गया था, लागू हो गया था। ओके, 23 मार्च 2019 को भारत के पहले लोकपाल बने थे। जो पहले लोकपाल थे वो कौन बनाए गए थे, पीसी घोष। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि भारत के जो पहले लोकपाल थे वो कौन बने थे, पीसी घोष बने थे, और हरियाणा के पहले लोकायुक्त कौन बने थे, प्रीतम पाल सिंह बने थे। फ्रेंड जो लोकपाल है वो सेंटर लेवल पे काम करते हैं, लोकायुक्त है वो स्टेट लेवल पे काम करते हैं। काम क्या करते हैं, जो भी करप्शन है जो बढ़ रहा है उसके ऊपर रोक लगाते हैं। ओके, तो प्रीतम पाल सिंह के बाद जो हमारे नए जो लोकायुक्त बनाए गए थे सेकेंड नंबर के, वो कौन थे, एन के अग्रवाल साहब थे, नवल किशोर अग्रवाल थे। और अगर आपसे पूछ लेता है कि अभी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में कौन है, हमारे जस्टिस हरिपाल वर्मा। अगर आपसे पूछा जाए, वो तो उसके अकॉर्डिंग सही था 2021 के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी हमारे से पूछा जा सकता है कि जो हरियाणा के जो अभी वर्तमान में जो लोकायुक्त हैं तो वो कौन है, हरिपाल वर्मा है। पहले कौन थे, प्रीतम पाल सिंह थे, सेकेंड नवल किशोर अग्रवाल, और अभी वर्तमान का पूछा जाए तो जस्टिस हरिपाल वर्मा। ये जो इसके लोकायुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। ये भी आपको याद रखने हैं। फ्रेंड राज्यपाल वाला जो टॉपिक है वो एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए, तो राज्यपाल वाले टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिए, या फिर मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी हरियाणा जीके की, तो उसमें जो राज्यपाल टॉपिक है उसको हम कम्प्लीट डिटेल में ही समझते हुए चलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 83 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ वॉर हीरोज़ के रूप में जाना जाता है। तो देखिए सिटी ऑफ वॉर हीरोज़ किसको कहा जाता है, सिटी ऑफ वॉर हीरोज़ कहा जाता है भिवानी को। ओके, बॉक्सिंग का भी कुछ पूछ लेता है तो वो भी कहाँ हो जाता है, भिवानी के अंतर्गत हो जाता है, ठीक है। अगर बुनकरों का शहर पूछ लेता है तो वो कौन सा होता है, पानीपत होता है, बुनकरों का शहर पानीपत, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। मेट्रो सिटी हमारी क्या है, गुरुग्राम। नैनो सिटी तो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। मेट्रो सिटी है वो क्या है, हमारी गुरुग्राम है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, आप नोट कर सकते हैं। ओके, अगर हमसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे तो पूछा था सिटी ऑफ वॉर हीरोज़, तो उसका तो आंसर भिवानी हो गया, लेकिन हमसे पूछ ले कि वॉर हीरोज़ स्टेडियम कहाँ है, वॉर हीरोज़ मेमोरियल स्टेडियम, वॉर हीरोज़, नोट कर लीजिए, वॉर हीरोज़ मेमोरियल स्टेडियम अगर हमसे पूछता है तो वो कहाँ पे होगा, अंबाला के अंतर्गत होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा, अंबाला के अंडर होगा, वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम। ओके, और वैसे सिटी ऑफ वॉर हीरोज क्या है, हमारी भिवानी है, तो इन चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्मारकों में से किन्हीं राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है, राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा पूछा गया है। आपके पास तीन ऑप्शन है, शेख तैयब का मकबरा, शोभा सागर तालाब, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स। तो इसके अंदर जो हमारा सही आंसर है 84 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, तीनों को ही राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त हुआ है। ओके, अब हमें पता होना चाहिए कि जो शेख तैयब का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, तो शेख तैयब का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, कैथल में है। नोट कर लीजिए, शेख तैयब का मकबरा कहाँ है, कैथल में है। शोभा सागर तालाब कहाँ है, नारनौल में है। ओके, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, नारनौल को कहा जाता है। डोसी का पहाड़ कहाँ है, नारनौल में है। ओके, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ है, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स हमारा कहाँ है, पिंजौर में है, ठीक है। वैसे भीमा देवी का अगर मंदिर एक
भीमा देवी ही है शायद, बेरी जज्जर में भी है, लेकिन भीमा देवी मंदिर जो कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पे है, पिंजौर में है, पंचकूला में है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। ओके नेक्स्ट देखिए 85 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स आप लोग कंटेंट के लिए बोल रहे थे कंटेंट की क्लासे लगाऊं, तो कंटेंट की क्लासे फ्रेंड्स अभी तो आप लोग भी अभी राखी का त्यौहार है तो उसमें बिजी हो गए होंगे, लेकिन सितंबर में हम कोशिश करेंगे यानी नेक्स्ट वीक से हम लोग जो कंटेंट है उस पे काम करें और आप लोगों के लिए मैं कंटेंट की क्लासें लेकर के आऊँ, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके इसमें से जो भी डाउट निकले उनको मैं क्लियर कर सकूँ, क्योंकि फ्रेंड जो प्रीवियस ईयर होते हैं वो किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे आप यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम दे लो, प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का आधार होते हैं। ओके तो देखिए 85 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है, किसकी बात कर रहा है, औद्योगिक क्षेत्रों में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 जो आंसर है 85 का 3 HSIIDC इसके लिए जिम्मेदार होती है, HSIIDC। अब हमसे पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले HSIIDC की फुल फॉर्म क्या होगी, या फिर ये वाला क्वेश्चन था तो इसका आंसर भी हम फुल फॉर्म के हिसाब से निकाल सकते हैं। अगर हमें HSIIDC की फुल फॉर्म पता होता तो हम सही आंसर कर सकते थे, अदरवाइज नहीं। तो HSIIDC की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, नोट कीजिएगा, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके HSIIDC की जो फुल फॉर्म है हरियाणा, एच से हरियाणा, एस से स्टेट, आई से इंडस्ट्रियल, दूसरी आई से एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और डी से डेवलपमेंट, सी से कॉरपोरेशन। ओके तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो हमें जो इंडस्ट्रियल जो वर्ड है वो किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, और यहाँ पे भी किसकी बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके अब हमारे पास जो ऑप्शन और दिए गए हैं तो उनके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। एक हमसे पूछा जा सकता है कि जो HSIIDC हैं उसके जो हेड होते हैं वो हेड अभी वर्तमान में कौन है, उमा शंकर जी हैं, वी उमा शंकर नाम है शायद उनका, वो क्या है इसके हेड हैं HSIIDC के, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी इसके अंदर हमारा हार्ट्रोन बच जाता है, तो हार्ट्रोन किससे रिलेटेड आएगा, अगर यहाँ पर पूछ लेता कि इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का जिक्र मिल जाता आपको तो इसका आंसर क्या हो जाता, हार्ट्रोन, क्योंकि हार्ट्रोन की फुल फॉर्म देखिए, अगर हमें इन तीनों चारों की फुल फॉर्म पता थी तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। हार्ट्रोन की फुल फॉर्म क्या आएगी, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं वो क्या हो जाएगा, हार्ट्रोन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल एरियाज की जगह इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होता तो हमारा आंसर क्या चला जाता, ऑप्शन नंबर 1 चला जाता। ओके नेक्स्ट देखिए SUDA हुडा, हुडा की जो फुल फॉर्म है वो क्या बन रही है, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि जो अर्बन जो एरिया है उसके लिए इनमें से कौन रेस्पॉन्सिबल है तो उसका आंसर क्या हो जाता, हमारा ऑप्शन नंबर 2, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हुडा की फुल फॉर्म क्या होगी, एच से हरियाणा, यू से अर्बन, और डी से डेवलपमेंट, ए से अथॉरिटी। ओके तो ये क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा, बाकी इसमें से जो क्वेश्चन निकल सकते हैं मैंने आपको बता दिए हैं, आपको उनका ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाएं। ओके नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता, विच फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाई द गवर्नर ऑफ हरियाणा, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको हरियाणा के जो राज्यपाल होते हैं वो नियुक्त करते हैं, पंजाब एवं हरियाणा जो उच्च न्यायालय हैं उनके जो न्यायाधीश हैं उनको नियुक्त करते हैं, हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करते हैं, हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को नियुक्त करते हैं। तो देखिए इनमें से क्या नहीं होता पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में, तो हमारा जो 86 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री को कौन अपॉइंट करता है फ्रेंड्स, गवर्नर करते हैं, राज्यपाल करते हैं, जो HPSC है लोक सेवा आयोग है उसके जो सदस्य हैं उनको कौन करता है, गवर्नर करता है, मानव अधिकार आयोग के सदस्य हैं उनको कौन करता है, गवर्नर करता है, और अभी मैंने आपको लोकायुक्त बताए थे उनको कौन नियुक्त करता है, गवर्नर करता है, चीफ कमीशन से सॉरी इलेक्शन से रिलेटेड कोई आएगा तो उसको कौन करता है,
गवर्नर करता है, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पूछा गया है, तो न्यायाधीश को तो कौन करेगा, न्यायाधीश को तो मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए 87, जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी आप वीडियो को लाइक कीजिए, आपको कैसी लगी क्लास, मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए या नहीं आए कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट जब मैं हरियाणा की वीडियो लेकर के आऊँगी तो उसमें आपके साथ जो राज्यपाल वाला जो टॉपिक है उसको ज़रूर डिस्कस करूँगी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, एसटेट के एग्ज़ाम में तो ट्रेंड रहा है, ठीक है। देखिए फिर आ गया राज्यपाल से रिलेटेड, हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन एक नौकर सहा था, यानी कौन सा एक सिविल सर्वेंट था, ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 87 है उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुजफ्फर हुसैन बरनी। क्या हो जाएगा? मुजफ्फर हुसैन बरनी, ओके। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, परिवार पहचान पत्र योजना, जो हमारी परिवार पहचान पत्र योजना है, जो फैमिली आईडी है, उससे रिलेटेड कुछ कथन दिए गए हैं। देखिए मैं एक एक करके आप लोगों के सामने पढ़ती हूँ। यह योजना परिवार को एक इकाई के रूप में चिन्हित करती है और यह हरियाणा के समस्त परिवारों का एक विश्वसनीय सामाजिक आर्थिक डेटाबेस तैयार कर रही है। बिल्कुल सही बात है भाई, एक यूनिट की तरह प्रेजेंट कर रही है और जो सोशियो इकोनॉमिक जो डेटाबेस है वो तैयार कर रही है परिवार पहचान पत्र योजना, बिल्कुल सही है ये कथन। तो नेक्स्ट है, प्रत्येक परिवार को एक 8 अंकों की विलक्षण परिवार पहचान आवंटित की जा रही है, पहचान आईडी को जन्म मृत्यु एवं वैवाहिक रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हर जगह पे क्या किसको शामिल कर लिया गया है, फैमिली आईडी को, हर चीज़ किससे कनेक्ट हो गई है, फैमिली आईडी से, तो बिल्कुल सही है ये बात भी। नेक्स्ट है, परिवार पहचान डेटाबेस में उपलब्ध डेटा का उपयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में स्वतः चयन हेतु किया जाएगा और परिवारों को स्वयं योजनाओं के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी ऑटोमेटिक क्या होगी, वेरिफिकेशन होगी भाई कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है, जो भी स्कीम आती है उनके लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी किया जाएगा, उनमें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही आंसर है, ये सारी स्टेटमेंट्स क्या हैं, सही है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फैमिली आईडी से जुड़ी आपको कुछ बातें पता चल गई होंगी इस क्वेश्चन के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए, फिर हरियाणा के राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन आ गया, हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वह हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलाधिपति हैं, वही जो हरियाणा के जो चांसलर होते हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, तो उनके चांसलर कौन होते हैं, गवर्नर है, ऐसी बात कह रहा है, तो इसमें से कौन सा बताना है हमें, इसमें से कौन से कथन सही है ये बताना है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि जो हरियाणा का गवर्नर है वो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके कुलाधिपति होंगे, उनके चांसलर होंगे, तो ये बात तो बिल्कुल क्या है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई गवर्नर है वो किसी भी पोस्ट पे चला जाएगा, नो ऐसा नहीं होता है। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा के अध्यक्ष है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी है हरियाणा स्टेट ब्रांच की, तो उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है, उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई सब विवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है, ये भी बिल्कुल सही बात, एक सेकंड रुकिए, उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई सर्व विवेकी शक्ति प्राप्त नहीं है, ही डज नॉट हैव एनी डिस्क्रिशनरी पावर ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई उसको कोई भी मतलब डिमांड उसको कोई भी पावर नहीं दी गई है, ऐसा थोड़ी ना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 89 है उसका जो इसमें कौन सा कथन पूछा गया है, भाई सही है पूछा गया है, तो 89 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है, केवल थर्ड, भाई जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे गवर्नर होते हैं, बाकी सारे स्टेटमेंट क्या हैं, गलत है, स्वयं के अधिकार शक्ति प्राप्त होती है ना कि ना होती है, ओके। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें, तो हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें ये याद रखनी है आपको, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 10 हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 5 हैं, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5, ओके। तो जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बचता है लोकसभा और राज्यसभा, उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी एक बार देखते हुए चलिएगा।
जो हरियाणा की विधानसभा है, सबसे पहले तो आपको पूछा जा सकता है कि ये एक सदनात्मक है या दो सदनात्मक है, यूनिकैमरल है या बाईकैमरल है। ओके, तो हरियाणा के अंदर सिर्फ विधानसभा होती है, विधान परिषद नहीं होती है, यानी एक ही सदन होता है। तो ये कैसी है? एक सदनात्मक है। ओके, याद रखेंगे। कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। इसका जो ऑफिस है, जो हरियाणा विधानसभा है, वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। जब हमारा हरियाणा राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को, तो इसके अंतर्गत जो सीटें थी वो कितनी थी? 54 थी, याद रखेंगे। 54 सीटें थी 1966 में, देन हमारी 67 में 81 हुई, और अभी एट प्रजेंट हमारी कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं, जो कब हुई थी? 1977 में हुई थी, 1977 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जब हरियाणा राज्य बना तब विधानसभा की कितनी सीटें थी? 54 सीटें थी, 1967 में 81, और अभी वर्तमान में कितनी है? 90 हैं, जिसमें से पूछा जा सकता है कि कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 17 सीटें आरक्षित हैं। जो पहले स्पीकर बने थे हमारे हरियाणा विधानसभा के, वो कौन बने थे? सन्नो देवी बनी थी। सन्नो देवी प्रथम महिला भी थी, ठीक है, इंडिया की प्रथम महिला भी थी। तो हरियाणा विधानसभा की पहली स्पीकर कौन थी? सन्नो देवी थी। जो दूसरे जो बने थे इसके स्पीकर, वो कौन बने थे? राव बीरेंद्र सिंह बने थे। अगर पूछा जाता है कि हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष अध्यक्ष कौन थे, तो राव बीरेंद्र सिंह थे, और वैसे ये कौन से अध्यक्ष थे? दूसरे अध्यक्ष थे। ओके, वर्तमान में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, तो वर्तमान में 14th नंबर की विधानसभा चल रही है, 14वीं विधानसभा चल रही है, और जिसके अभी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, जबकि जो डिप्टी स्पीकर हैं वो हमारे कौन है? रणबीर सिंह गंगवा हैं। जो हमारे स्पीकर हैं वो तो हमारे क्या हैं? ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, जबकि आप डिप्टी स्पीकर पूछा जाए तो वो हमारे कौन हैं? रणबीर सिंह गंगवा हैं। ये चीज़ें आपको सभी याद रखनी हैं। ओके, जो 17 सीटें आरक्षित हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो हैं मुलाना, इसराना, सादोरा, शाहबाद, मिस। क्या याद रखेंगे? मिस से क्या क्या बन गया? एम से मुलाना, आई से इसराना, एस से सादोरा, एस से शाहबाद, चार तो ये हो गई। फिर BB, BBN, NNKR, बी से बावल, भवानीखेड़ा, नरवाना, नीलोखेड़ी, कलानोर, खरखोदा, एक सेकेंड, आर से रतिया, के से कलावली, यू से उकलाना, पी से पटोदी, जी से गूला, एच से होडल, और जे से झज्जर। ये सब आपको एक बार थोड़ी सी सरसरी नज़र मार लेनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है। तो ये मैंने आपको जो सीटें बताई हैं ये सभी क्या है? आरक्षित सीटें हैं। बाकी और कोई नाम आता है तो वो क्या हो जाएगी? अनारक्षित सीट हो जाएगी। मुलाना, इसराना, सादोरा, शाहबाद, मिस, और BBN, NNKR, बावल, भवानीखेड़ा, नरवाना, नीलोखेड़ी, कलानोर, खरखोदा, कलावली, रतिया, ठीक है, यूपी, उकलाना, पटौदी, जी से हमारा गुहला, एच से होडल, जे से झज्जर, ये आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जिसमें कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट बताने हैं जहाँ पे कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। तो देखिए, 5 जिले हैं हमारे, चरखी दादरी, CPNMF, अच्छे से याद कर लो, रट लो एक तरीके से, CPNMF, ऐसे कर लो, CPMNF, सी से चरखी दादरी, पी से पंचकुला, एम से महेंद्रगढ़, एन से नूह, और एफ से फरीदाबाद। इनके अंतर्गत कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। अभी मैंने आपको बता दिया कि हरियाणा में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 5 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10 हैं। जो 10 जो सीटें हैं उसके अंतर्गत, ये भी आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हरियाणा में लोकसभा के अंदर 2 सीटें कैसी हैं? आरक्षित सीटें हैं। वो 2 आरक्षित सीटें कौन कौन सी हैं? तो कौन कौन सी हैं? अंबाला और सिरसा। अंबाला और सिरसा 2 ऐसी सीटें हैं जो आरक्षित हैं। ओके, बाकी जो 10 सीटें हैं वो कौन कौन सी हैं? अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा, सोनीपत, हिसार, रोहतक, भिवानी, गुड़गांव, फरीदाबाद। ओके, तो ये हमारी 10 सीटें हैं जिनमें से 2 आरक्षित हैं, जिनके नाम आपको विशेष कर याद रखने हैं, अंबाला और सिरसा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन। आप लोगों ने देखा कि हरियाणा जीके का जो एग्ज़ाम, जो हमारा एचटेट का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर जो लेवल होता है वो आप लोगों ने देखा कि कैसा लेवल रहता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप किस तरह से उनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। साथ में मैंने जितने ऑप्शन थे उस हिसाब से, या फिर आगे आने वाले एग्ज़ाम में किस तरह हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बने।
ठीक है। बाकी देखते हैं एग्ज़ाम में क्या होता है क्या नहीं होता है। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो। अगर आपको आगे भी ऐसी क्लासेज चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं दूसरी वीडियो में आप लोगों से।